श्रीमती रामचंद्र की, सुत हनुमान की। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोक, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर आतुर अधीर हो रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब के, प्रभु आगमन जनाव जनो नगर रव्य जऊ फेर। इतने में ही सब सुंदर सगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस हुई, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार ही वार, जानी सगुन मन हरषि अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे वो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयउ, जानी कुटिल की धौ मोहि बिसरायउ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया, ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए, प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु जीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। हाँ, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदु के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझें प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाउ। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण नहीं मानते, वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलिहि राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रहि जौ प्राणा, अधम कबन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए
तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयउ जन पोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था, उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुसानन जटा मुकुट ग्रस्त दात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बहाते उसके आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षउ, पुलक दात लोचन जल बरसउ, मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचऊं दिन राती, रटऊं निरंतर गुण गन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयउ कुशल देव मुनि ताता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। विपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूखा, त्रसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहां ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निदाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र और जाति का बानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंध रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ, ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीरीते, बार बार पूछी कुशलाता,
तो कहूं देव का सुनो भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें मैं क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखूं कछु नाही। नाहिन तात उरन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमि रही मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत अति कपि, पुलकी तन चरननी पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुन गन, कहत अग जगनाथ जो। काहे न होई विनीति परम, पुनीत सदगुन सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी, क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममता, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरस हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाई तुरत गयो कपि राम पही, कही कुशल सब जाई हरस चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। बोलिए क्या कति रामचंद्र की, कौन सुत हनुमान की।